वेलकम टू स्ट्रीगल, मेरा नाम है सुमित। तो आज आप देखेंगे इस वीडियो में कि मैं कैनन 800D को क्यों बेस्ट कैमरा कहता हूँ यूट्यूबर्स के लिए, स्पेशली जो वीडियो रिकॉर्ड्स होता है उसके लिए इस कैमरा को मैं क्यों बेस्ट कैमरा कहता हूँ। और भी बहुत सारे कैमरा है, बहुत अच्छे अच्छे कैमरा है, पर मेरे हिसाब से ये कैमरा बेस्ट रहेगा आपके लिए आज के डेट पे 2018 में 2017 से लेकर। तो कैनन 800D ही आपके यूट्यूब के लिए बेस्ट कैमरा रहेगा, क्यों तो पता चलेगा अगर आप पूरी वीडियो को पूरी तरह से देखते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते थे। तो कुछ पॉइंट्स से मुझे इस कैमरे को लेने में अच्छा लगा और मैं समझता हूँ वही पॉइंट्स आपको पता करने में मदद करेगा क्यों ये कैमरा बेस्ट रहेगा आपके यूट्यूब वीडियो मेकिंग के लिए। और आप अगर करना चाहते हैं और कोई कहीं पर अपलोड आपके वीडियोस, तो वहीं पर भी आपका इस कैमरे से रिकॉर्डिंग किया गया वीडियोस बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो जो पॉइंट से पहले आता हूँ, इसका बिल्ड क्वालिटी। तो इसका जो बॉडी है, बॉडी पूरी तरह से पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। बॉडी का मेन स्ट्रक्चर, उसके नीचे एल्युमिनियम से बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो इसका बॉडी मेरे हाथ से भी कभी गिर गया था, तो इसमें थोड़ा सा स्क्रैचेस आया है, पर वो नोटिसेबल नहीं है। और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पिक्चर भी देता है और वीडियो तो बेस्ट क्वालिटी का देता है अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस रेंज ऑफ दिस कैमरा। तो अगर मैं कहीं पर शूट करना जाता हूँ तो मैं कैमरे को DSLR के हिसाब से मैं पीछे ब्लर कर लेता हूँ पीछे वाला बैकग्राउंड को, और धीरे धीरे शूट करता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा पीछे जो मेरा घर में ही बेडरूम में ही किया जा रहा है जो शूट, वो मेरा पीछे जो बैकग्राउंड है पूरी तरह से डार्क हो गया है क्योंकि मैंने लाइट बंद कर दिया है। और मेरा जो फ्रंट लाइट है यानी एक फ्लैश लाइट, उसी से मैं कैमरे के ऊपर होल्ड करने के बाद ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मेरे फेस के ऊपर पूरी तरह से लाइट पड़ने की वजह से ये पूरी तरह से दिख रहा है और डिटेक्ट भी कर रहा है मेरे फेस को, अगर मैं पीछे भी होता हूँ सामने भी होता हूँ। तो इसका ये जो फीचर है, ये इसका सेकेंड पॉइंट है जो कि है 12 पिक्सल ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ कैमरा, जिसका जो सेंसर दिया गया है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है कैमरे में, क्योंकि 80D में जो सेंसर दिया गया है उसे भी एडवांस सेंसर 800D में दिया गया है। तो 80D में जो कि था बहुत ही फास्ट कैमरा है एंड एडवांस कैमरा भी है, पर उतना ज़्यादा एडवांस नहीं जितना 800D पर है, क्योंकि 800D 80D से स्लोअर है। पर जो टेक्नोलॉजी दिया गया है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और सेंसर दिया गया है, तो काफ़ी हद तक बढ़िया क्लियरिटी के साथ पिक्चर खींच सकता है। इसमें डिजिट 7 जो एडवांस 12 पिक्सल टेक्नोलॉजी का सेंसर दिया गया है वो 800D में ही दिया गया है और 80D में नहीं दिया गया है। 80D में दिया गया है डिजिट 6 प्रोसेसर जो कि थोड़ा पुराना है और ओल्ड फैशन है। तो आज के डेट में 80D से अच्छा कैमरा तो बजट में नहीं मिलता है, 8000 में उसका सिर्फ बॉडी आता है। पर आप खरीदना चाहते हैं एक प्रोफेशनल शूटिंग के लिए तो आपका जो 80D है बेस्ट रहेगा, पर आप YouTube के लिए लेना चाहते हो तो 800D आपके लिए बेस्ट होगा। और 12 पिक्सल टेक्नोलॉजी का जो सेंसिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक अच्छा है, जैसे मेरे फेस को डिटेक्ट कर रहा है, मैं जहाँ कहीं भी हिल रहा हूँ मुझे देखो, मैं क्लियरिटी को कैप्चर करके रहा है। और जो पीछे वाला बैकग्राउंड देखो ब्लर हो गया है, सामने वाला भी इसे नहीं डिटेक्ट कर पाएगा क्योंकि मेरा फेस को डिटेक्ट कर रहा है। हाँ, मेरे फेस को डिटेक्ट करने के बाद अगर लाइट सामने पे पड़ता है, सामने कोई चीज़ पे पड़ता है, इसके ऊपर जो लाइट है इसके लिए ये दिख रहा है, पर देखो थोड़ा ब्लर है, उससे मेरा फेस का क्लियरिटी भी ज़्यादा है। तो यही
हमेशा फेस को डिटेक्ट करता है और डिटेक्शन कभी चूकता नहीं, बहुत बढ़िया डिटेक्ट कर लेता है। और ड्यूल पिक्सल टेक्नोलॉजी की वजह से ये काफ़ी हद तक फास्टर प्रोसेसिंग करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हिल रहा है, कहाँ पीछे जा रहा है, कब आगे आ रहा है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ऑब्जेक्ट है कितना हिले, कितना पीछे जाए, आगे आए। तो इसका जो ये फीचर ड्यूल पिक्सल टेक्नोलॉजी वाला है, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो थर्ड पॉइंट है इसका डिस्प्ले। इसमें 3 इंच जो डिस्प्ले दिया गया है वो बहुत टच सेंसिटिव टच वाला है। जब आप फोटो कैप्चर करोगे तो इसे टच कंट्रोल करने के बाद पता चल जाएगा कितना सेंसिटिव है, और कोई भी टच चूकता नहीं, हमेशा रिस्पॉन्सिव टच ही मिलता है आपको। एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहता है और टच से आप कई सारे पॉइंट्स को एक्सेस कर सकते हो, यानी कंट्रोल कर सकते हो कैमरा का। DSLR जो मेन फीचर्स होता है, लाइट बढ़ाना, लाइट को कम करना, और ISO बढ़ाना, ISO एक्सपोजर, जैसे कि इन जैसे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, और स्पेशली एपर्चर को भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर जो टचस्क्रीन है, टचस्क्रीन के ऊपर टच करके आप कोई भी बटन के बिना ही यूज़ कर सकते हो। और फोटोग्राफी के लिए अगर आप टचस्क्रीन को यूज़ करोगे और व्यू फाइंडर को यूज़ करोगे तो आपका फोटोग्राफी जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींच पाओगे, क्योंकि जो बैटरी होता है टचस्क्रीन डिस्प्ले पे, अगर आपका डिस्प्ले दिखाता है फ़ोटो को, फ़ोटो का डिस्प्ले अगर दिख जाता है तो आपको शायद इसका बैटरी ज़्यादा ड्रेन करना पड़े, यानी बैटरी का लाइफ थोड़ा कम हो जाएगा। यानी 600 से 800 फ़ोटो ये इजीली खींच सकता है, पर आप अगर डिस्प्ले में देखकर फ़ोटो हमेशा खींचते हो तो आपका बैटरी ज़्यादातर 200 फ़ोटो कैप्चर कर पाएगा। तो डिस्प्ले का बात मुझे तो पता चल गया है, और इसका थोड़ा जो बैटरी ड्रेनिंग फीचर है मुझे अच्छा नहीं लगा, पर ओवरऑल जो डिस्प्ले दिखाता है और फाइंडर तो दिया गया है, इसके लिए इसका प्रॉब्लम माफ़ किया जा सकता है, यानी ये नेगलेक्ट किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है इस कैमरे पे। तो डिस्प्ले में बहुत बढ़िया क्वालिटी का भी पिक्चर दिखाता है, बहुत डिटेल दिखता है डिस्प्ले में, आप डिटेल को ट्रैक कर सकते हो, डिटेल को जब कभी भी टच से हटा सकते हो, यानी जब मैं हिल रहा हूँ अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना चाहूँ, जैसे कि मेरे हाथ को अभी दिख रहा है पर हाथ का जो फोकस है वो अभी तक मेरे मुंह पे बना हुआ है, तो अब अगर मैं टच करके हाथ को सिलेक्ट करता हूँ, ये हाथ के ऊपर फोकस बन जाएगा और मेरा मुँह पर फोकस नहीं पड़ेगा। मैं हाथ को जहाँ कहीं भी हिलाता हूँ ये फोकस रहेगा हमेशा, मेरा मुंह सामने आने पर भी ये ठीक तरीके से मेरा मुंह को फोकस नहीं करेगा। तो मैं डिटेक्ट करवा दे सकता हूँ क्योंकि कौन सा चीज़ को फोकस करना है कि नहीं। तो वीडियो शूटिंग के दौरान ये चीज़ बहुत मायने रखता है कि जब आप वीडियो शूट कर रहे हो कौन सा चीज़, यानी कौन सा पर्सन आपके फोकस में रहना चाहिए। जैसे मूवी में देखते हो, आप अगर शूट करना चाहते हो तो आपके जो बात करना चाहते हैं, 2-3 लोगों में बात हो रहा है, एक सामने, एक पीछे और एक मिडिल में खड़ा है, तो जो बात करता है वहीं पे फोकस होता है। तो आप यहाँ से ही फोटोग्राफिक स्टाइल में ही फोकस कर सकते हो, और वीडियो शूट करने के वक्त वो फोकस को कंट्रोल करके कहीं भी दे सकते हो टच करके। तो ये डिस्प्ले बहुत सेंसिटिव होने के दौरान आप अगर गलत टच कर देते हो तो आपका वीडियो शायद बेकार हो जाएगा, हो सकता है। और एपर्चर जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा तो दिया नहीं गया है, और अगर आप इसे कम करना चाहते हो एपर्चर को तो कम करके रख सकते हो 4.0 पे, जैसे कि मेरा किट लेंस है इसके साथ रख सकते हो। तो ये टच पे कंट्रोल करके ही मैंने जैसे एडजस्ट कर लिया है, और भी एपर्चर 4.0 में ये अब सेट हो चुका है, और ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है एपर्चर 4.0 में। अब वीडियो के चलते चलते, यानी वीडियो रिकॉर्ड होता है, यहाँ भी मैंने अभी देखा कि एपर्चर जो है, एपर्चर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई बंद नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और साउंड जो है, मैं एक बोया माइक यूज़ करता हूँ, यही से
मेरा रिकॉर्ड होता है, तो उस पॉइंट को मैं बाद में ही डिस्कस करूँगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है बड़े सिंपल सा है, डीएसएलआर में बहुत ज़्यादा बटन्स होते हैं, वो एक एक बटन क्या 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 काम करता है, कब काम करता है, वो तो पहले पता नहीं चलता। और उसके बाद अगर हम धीरे धीरे करके डीएसएलआर को जाने, जैसे कि मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अगर जानना चाहता हूँ तो मुझे धीरे धीरे करके पता चल गया है कि कौन कौन चीज़ कौन सा काम कर लेता है, तो उससे बड़ी आसानी होता है। और टच स्क्रीन स्पेशली रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे अगर दिखता है कि जो लाइट है उसे कम करना पड़ता है, ब्राइटनेस को कम करना पड़ता है, अपर्चर को ज़्यादा करना पड़ता है, तो इस बटन से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि पास में रखकर कैमरा और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। ये बहुत बढ़िया फीचर्स है इसका। और जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जैसे कि मुझे देख पा रहा हूँ, ये डिस्प्ले 270 डिग्री रोटेबल है, यानी आप ये डिस्प्ले को सामने ले सकते हो रोटेट करके 270 डिग्री, और पीछे भी ले सकता हूँ। पीछे लेने के वक्त आप शायद खुद को देख पाओगे अगर कैमरे में आप ही हो तो, यानी कैमरे के फ्रंट में अगर आप हो, जैसे कि ये वीडियो शूट हो रहा है, फ्रंट पे मैं हूँ और शूट भी कर रहा हूँ मैं, तो एक ट्रिपॉड पे रखकर बस शूट करना शुरू कर दिया और अकेले अकेले पूरा काम हो जाएगा। तो यही बात है इस कैमरे का, जो बटन दिया गया है उस बटन के साथ साथ ये फीचर भी दिया गया है कि फ्लिप स्क्रीन जो है बहुत बढ़िया है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कुछ किट लेंस का। मैं किट लेंस के बारे में ही कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा किट लेंस, जो 18:55 mm लेंस दिया गया है मुझे, और स्टेबलाइजर एक्टिवेट है इस लेंस में, यानी मैं जब फोटो खींचता हूँ या फिर वीडियो खींचता हूँ, अगर हिल जाता है हाथ, अगर कैमरा हिल जाता है तो कभी कभी ये फोटो ब्लर आ जाता है और जो पिक्चर है कभी नहीं आता है ठीक से, वीडियो भी बहुत प्रॉब्लम करता है। तो आप ये अगर स्टेबलाइजर ऑन करके वीडियो को शूट करो या फिर फोटो को शूट करो तो आपका पिक्चर क्वालिटी स्टेबल रहता है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का रहता है। तो ये एक पॉइंट है मेरा किट लेंस जो इसके साथ दिया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जो किट लेंस है वो 18:5 mm से 55 mm तक ही जूम हो सकता है, यानी जूम किट लेंस है। और करीब एक्स के हिसाब से बताऊँ तो करीब 3.35x तक जूम हो सकता है। और इसमें जो अपर्चर वैल्यू है 4.0 से लेकर 5.6, हाईएस्ट अपर्चर वैल्यू 5.6 है और लो अपर्चर वैल्यू 4.0। एक्चुअली यही है हाईएस्ट होता है, जितना लो होगा वही हाईएस्ट होता है अपर्चर वैल्यू। तो अपर्चर वैल्यू ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान भी और अगर फोटोशूट के दौरान भी ऑन स्क्रीन कंट्रोल हो सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका क्वालिटी जो है कंट्रोल क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, और जो वीडियो का कलर डिटेक्शन है वो एकदम ठीक ठीक ही कलर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने का मतलब ये कैप्चर कर लेता है वीडियो के दौरान, वीडियो शूट के दौरान या फिर फोटोग्राफी के दौरान। तो और इसका जो किट लेंस है, किट लेंस के बारे में बता दिया, फिर भी मैंने एक प्राइम लेंस लिया है मेरा पर्सनल फोटोग्राफी एक्सपीरियंस के लिए, तो आप भी ले सकते हो। तो यूट्यूब के लिए मेरा 18:55 लेंस ही काफ़ी होगा रिकॉर्डिंग के पर्पस। तो उसके बाद जो आता हूँ इसका कुछ एक्सेसरीज जो मुझे दिया गया है, जैसे कि किट लेंस तो दिया गया है, स्ट्रैप दिया गया है, और मुझे कैप भी दिया गया है किट लेंस का, और जो ढक्कन है जो मेन बॉडी का फ्रंट स्पेस का ढक्कन है सेंसर का, तो वो काफ़ी हद तक बढ़िया है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा लगा मुझे। और जो व्यू फाइंडर है, नेक्स्ट पॉइंट, जो व्यू फाइंडर है ये OVH, यानी आप इसे इलेक्ट्रॉनिकली नहीं देख पाएंगे जैसे कि ये DSLR है, यही डिफरेंस होता है DSLR और इलेक्ट्रॉनिक कैमरे में। तो इस DSLR में जो सेंसर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने से आपका जो पिक्चर क्वालिटी है 24.2 megapixel पे बहुत बढ़िया क्वालिटी का पिक्चर और डिटेल में खींच पाता है, तो आपका पिक्चर में डिटेल हो वही रहता है। DSLR का मेन एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि आपका पिक्चर है, पिक्चर में बहुत ही डिटेल है, डेटा इनपुट रहे और आपको क्लियर
व्यू मिले एक पिक्चर के ऊपर। तो आप अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी करना चाहते हो, ये कैमरा अगर बजट में आता है तो खरीद सकते हो सीखने के लिए। और अगर बिगिनर्स हो, बिगिनर्स के लिए भी है, मैं बिगिनर्स हूँ, मैंने कभी तो DSLR को हाथ में ही नहीं लगाया था, यही पहला वाला DSLR है मेरे लाइफ में। तो आप अगर खरीदना चाहते हो, आप अगर बिगिनर्स हो तो भी इस DSLR को खरीद सकते हो। और मुझे जो इसका फ्लैश लगा, फ्लैश काफ़ी हद तक बढ़िया क्वालिटी का फ्लैश तो देता है, बहुत सेंसिटिव भी है, आप फोटो के हिसाब से ये मेज़रमेंट करता है और फ्लैश को इंक्रीज भी डिक्रीज भी कर दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत एडवांस DSLR तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत एडवांस DSLR का काम कर लेता है। और तो कैनन 800D का जो बैटरी दिया गया है, आप अगर बाहर निकलते हो तो इसमें आपको दो बैटरी ज़रूरत हो जाएगा, हो सकता है या फिर हो ही जाएगा, क्योंकि आप बाहर शूटिंग के वक्त आप सिर्फ 1.5 से 2 घंटे तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसमें आपका बैटरी जो ड्रेन होता है, तो वहीं पर आपके लिए दोनों बैटरी रखना ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो इंडोर में शूट के लिए मैं घर पे ही रहता हूँ ज़्यादातर, और बाहर थोड़ा बहुत निकलता हूँ, तो बाहर मैं कैमरे को नहीं बाहर ले जाता हूँ, तो इसके लिए मुझे एक ही बैटरी का काम चल रहा है, एक ही बैटरी से काम चल जाता है। और दो घंटे करीब 1.5-2 घंटे का वीडियो जो होता है बढ़िया क्वालिटी का हो जाता है और मुझे भी सेटिस्फाइड कर लेता है, यही बात है। और उसके बाद जो है, और आप अगर फोटोग्राफी सीखना चाहते हो तो इस तरीके का DSLR यानी कैनन 800D आपके लिए बेस्ट रहेगा आप अगर खरीदते हो तो। उसके बाद जो आता है इसका नॉर्मल फ्री एक्सेसरीज जो दिया गया है, जैसे कि मैं कह रहा था, मुझे एक बैग दिया गया है, कैमरा बैग, जो कि बहुत अच्छा क्वालिटी का है और कैमरा मैं वहीं पर रखता हूँ। और जो मुझे मेमोरी कार्ड दिया गया है वो 48 Mbps स्पीड के साथ आता है और 16 GB का मेमोरी कार्ड दिया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा डेली शूट के लिए दो तीन वीडियोस तो आसानी से रिकॉर्ड हो जाता है। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है, इसमें रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है कि मैं 60 FPS पर यानी 50 FPS पर हाईएस्ट 120p का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें डिटेलिंग तो बहुत ही अच्छा है और जो सिनेमैटिक वीडियो है वो भी शूट कर सकते हो 24 FPS पर, 25 FPS पर यानी दिया गया है कैमरे के सेटिंग पे। तो ये फीचर्स मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और लगता भी है, क्योंकि सिनेमैटिक रिकॉर्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जब आप यूट्यूब में वीडियो अपलोड करोगे तो आपका पिक्चर क्वालिटी ये भी सिनेमैटिक वीडियो ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इंडोर में शूट हो रहा है, बाहर में शूट होगा यानी आउटडोर में, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो उसके बाद क्या कहूँ, और जो फ्लैश बिल्ड सबके बारे में कह दिया, और इसमें जो टेक्नोलॉजी वो भी बहुत एडवांस है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसको इजीली खरीद सकते हो। और जो बताने की चीज़ नहीं है वो भी बता देता हूँ, इसमें माउंट किया जा सकता है ट्रिपॉड को। और जो एक पॉइंट मिस कर गया हूँ, जो पॉइंट है माइक, एक्सटर्नल माइक इनपुट किया जा सकता है, जैसे कि आप यूट्यूब के लिए अगर यूज़ करते हो ये कैमरे को, तभी आपका ज़रूरत होगा माइक, क्योंकि इनबिल्ट कैमरे में इनबिल्ट माइक जो होता है बहुत बुरा होता है, रिकॉर्डिंग में नॉइज़ आ जाता है, इसके लिए आप वो माइक यूज़ नहीं कर सकते हो। तो कभी कभी आपको एक्सटर्नल, कभी कभी नहीं, मैं हमेशा ही एक्सटर्नल माइक यूज़ करता हूँ, आपको भी रेफर करूँगा कि एक्सटर्नल माइक यूज़ करो। मैं इस बोया का 2 से 2.5 मीटर लंबा ये माइक यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला इस बोया का माइक से। और इस कैमरे पे जो रिकॉर्ड होता है बहुत बढ़िया क्वालिटी का नॉइस कैंसलेशन के साथ ही रिकॉर्ड होता है, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है वीडियो का वो बहुत बढ़िया रहता है। अगर मैं कोई चीज़ फोकस करके दिखाता हूँ भी, या फिर अनबॉक्स करने के वक्त अगर दिखाना चाहता हूँ तो वो भी फोकस में आ जाता है। मैं जैसे कि ये बैटरी को दिखाता हूँ, बैटरी फोकस में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं इस बैटरी को टच करता हूँ हाथ से स्क्रीन पे, तो ये देखो बैटरी कैसे फोकस में आ गया है,
मैं फिर से बैटरी हटा लेता हूँ तो सीधा सीधा मेरा फेस पे फिर से फोकस करना शुरू कर देता है। तो यही बात है, आप अगर कैप को भी फोकस करना चाहो तो फोकस नहीं होगा, आप अगर स्क्रीन में टैप करो टच स्क्रीन में तो ये कैप को फोकस कर लेगा। तो यही बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कैमरे के वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। मैं कहीं भी रिकॉर्ड करके वीडियो तो दे ही सकता हूँ पर उसका क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहता है। जब आप एक फ़ोन की या फिर एक वॉच की अनबॉक्सिंग करना चाहोगे तो वॉच को ऐसे सामने दिखाना पड़ेगा और वो जब कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो आपका वीडियो ही बेकार हो जाएगा। मैंने कहीं पर टच नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली इसको कैप्चर इसको डिटेक्ट कर लिया और फोकस में ऑटोमेटिकली ले लिया है। ये प्रोडक्ट जो है डिज़ाइन से लिया था, डिज़ाइन कंपनी का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वॉच, डिज़ाइन भी अच्छा है। तो आप इस वॉच को भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर बोलना चाहते हो, प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा ये कैमरा आपके लिए। आप अगर YouTube वीडियो रिकॉर्ड करते हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपका YouTube वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गया कि क्यों ये बेस्ट कैमरा रहेगा। और जो स्पेशल इफेक्ट है बॉडी में ही होता है कि डुअल पिक्सल के साथ जो फीचर आता है वो काफ़ी हद तक कई सारे कैमरे में तो आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा था 200D भी बहुत अच्छा क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है यूट्यूबर्स के लिए। तो 200D में और 800D में एक चीज़ के लिए मैंने नहीं लिया स्पेशली, एक चीज़ के लिए बैटरी भी कम है पर वो भी इग्नोर किया जा सकता है, दो दो बैटरी लेकर चल सकता है। पर जो मेन चीज़ था क्रॉस ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी जो 200D में यूज़ किया गया था, सिर्फ 9 इंडिविजुअल क्रॉस ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी इनबिल्ट था 200D में। उसी के लिए मैं जब लेने गया था कैमरा 200D को नहीं लिया, उसके जगह पर देखा और इस देखने का जो काम था करीब करीब एक दो महीना लग गया था कि बेस्ट कैमरा चूज़ करने में। तो मैंने मेरा बजट जो है करीब 30,000 to 40,000 का था पर मैंने उसे 65 तक इंक्रीज़ किया सिर्फ बेस्ट कैमरा लेने के लिए। आप अगर एक बेस्ट कैमरा लेना चाहते हो तो आपका बजट भी इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो मैंने बजट के हिसाब से कैमरा भी चुना था और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरा कैमरा बहुत बढ़िया है, यानी कैनन 800D वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। जो ऑटोफोकस क्रॉस ऑटोफोकस पॉइंट जो इंडिविजुअल 45 क्रॉस ऑटोफोकस पॉइंट्स देता है आपको वीडियो शूटिंग के यानी फोटो शूटिंग के दौरान और वीडियो शूटिंग के दौरान, तो ये 800D से ही शुरू होता है, आपको इतना सारा क्रॉस ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी मिल जाता है। पर जो पिछले वाला कैमरा था 200D पर सिर्फ 9 ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी सिर्फ 9 पॉइंट मिलता था जबकि यहाँ पर एडवांस 45 पॉइंट्स मिल रहा है इंडिविजुअल्स। तो आप कहीं पर भी कंट्रोल कर सकते हो इस कैमरे में कि कौन सा पॉइंट को फोकस करना है कौन सा पॉइंट को नहीं। तो यही बात है इसका कि इसका जो डेप्थ है वो ज़्यादातर डिटेल कैप्चर कर पाता है इस क्रॉस ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी के साथ और डुअल पिक्सल तो है ही। तो यही सारा बात है इस कैमरे को चूज़ करने में। आप अगर बिगिनर्स हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं भी एक बिगिनर्स हूँ एकदम, मैंने कोई भी DSLR हाथों में नहीं लिया था अभी तक। तो एक महीने के बराबर हुआ है इस DSLR से मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और कैप्चर करता हूँ कुछ फ़ोटोज़, तो आपको मेरे चैनल में ही मिल जाएगा वो सब सैम्पल्स, तो वहाँ से देख लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने की कोशिश करूँगा तो वहाँ से भी देख सकते हो, लिंक के क्लिक करने पर देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना दोस्तों के साथ क्योंकि ये वीडियो अगर दोस्तों भी देखे तो वो भी जान पाए कि कैनन 800D कैसा है, क्यों लिया गया है और क्यों लेना चाहते हो, आपको कई सारा बातें पता चल जाएगा। आप अगर इस वीडियो को देखकर कुछ भी बुरा लगा या फिर कोई खामियां हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूंगा। और
आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आने वाले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। गुड बाय एंड जय हिंद।